मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपनी नोज पियर्सिंग का कैसे ख्याल रख सकते हैं और विद इन वन वीक आप उसको कैसे उस जख्म को सही कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्राउन कर्ली गर्ल। सो आज हम बात करेंगे नोज पियर्सिंग के बारे में। अक्सर अवकात लड़कियां डर जाती हैं कि नोज पियर्सिंग कराएंगे तो शायद ताना ना हो जाए, क्योंकि हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि अगर टेक केयर ना की जाए उस जख्म की सही से तो ऑब्वियसली वो चीज़ ख़राब हो जाती है। और नेचुरली मैंने लोगों को देखा भी है, जिन लोगों को जो लोग केयर भी करते हैं तो उनको भी ज़ख्म हो जाता है। तो पहली चीज़ जो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपने नोज़ पियर्सिंग गर्मियों में नहीं करानी, बल्कि आपने मिड में करानी है, मीन लाइक सर्दी और गर्मियों के कुछ बीच का जो मौसम होता है उसमें कराएं, या फिर आप कराएं सर्दियों में, बिकॉज तब आपका ज़ख्म जल्दी ठीक होता है, जल्दी हील होता है। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर या तो फिर फैब, दोनों में से आप दोनों मंथ्स में से जो भी आपको सूटेबल लगता है आप तब करा दें अपने नोज़ पियर्सिंग। बाय द वे, आज मैंने नोज़ रिंग पहनी है, जिसका एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो के एंड में शेयर करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आप ऐसी और भी वीडियोज़ इन्जॉय कर सकें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, सेकेंड चीज़ है, आपने अपनी नोज़ पियर्सिंग करा ली और अब आपको डर है कि मेरी नोज़ पियर्सिंग कैसे ठीक होगी। यार, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एक हफ्ते में नोज़ पियर्सिंग सही हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, पहली बात आपने चने की दाल नहीं खाने, कोई किस्म के चने की कोई चीज़ नहीं खानी आपने, और अगर आप छाले या सुपारी खाते आपने वो भी नहीं खानी, आपने कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी। बट जो दो बेसिक चीज़ें हैं, चने और सुपारी, आपने ये तो बिल्कुल नहीं खानी। तो ठीक है, आपने ये दो चीज़ें नहीं, इनको बॉयकॉट कर देना, आपने बाय बाय कर देना, इनको बिल्कुल नहीं खाने इनको। और दूसरी चीज़, ये देसी टोटका है, और देसी टोटका ये है कि जब आपके घर में सालन बन रहा होता है तो जब आप मसाला भूनते हैं तो उसके ऊपर जो ऑयल होता है, थोड़ा सा वो ऑयल लें और अपनी नोज़ पियर्सिंग के ऊपर लगा लें। कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा सुन करके होगा कुछ, बट ज़्यादा जलन नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपने वो लगा लेना है। मेरा यकीन करें, आपकी नोज़ पियर्सिंग विद इन अ वीक आप उसको इतने अच्छे से, आप उसकी अपनी नोज़ पिन को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने अपने पसंद की कोई नोज़ पिन पहननी है, इतना बेहतर हो जाएगा आपका नोज़ पियर्सिंग। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट, अपने पास रखिएगा रात को सोने से पहले, और दिन में 3 दफ़ा आप लगाएं उसको, ताकि वो उसकी जितनी मूवमेंट होगी नोज़ पिन की, नोज़ रिंग से, जिससे भी आपने नोज़ पिन से या नोज़ रिंग से जिससे भी कराया, उसकी जितनी मूवमेंट करेंगे, क्योंकि आपको आपका जो भी ज्वेलर होगा, जो भी आपकी नोज़ पियर्सिंग करेगा, वो भी आपको ये बोलेगा कि प्लीज़ आप उसकी मूवमेंट रखें ताकि वो ज़ख्म जल्दी ठीक हो और उस जल्दी हीलिंग भी हो जाए। तो आप पॉलीफेक्स स्किन ऑइंटमेंट ग्रीन कलर की होती है, मैं यहाँ पिक्चर लगा दूंगी, वो रखें अपने पास, वो टाइम से लगाएं, 3 दफ़ा लगाएं या ज़्यादा टाइम भी अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ लगाएं, ताकि आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाए। सो जब आप अपनी नोज़ पियर्सिंग कराएं तो प्लीज़ आप ख्याल रखें कि आप गोल्ड से ना कराएं, बल्कि आप सिल्वर से कराएं, क्योंकि सिल्वर ज़्यादा ठंडा होता है और सिल्वर से ज़ख्म भी जल्दी सही हो जाते हैं। सो यस, सिल्वर से मतलब चांदी से कराएं अपनी नोज़ पियर्सिंग, वो ज़्यादा बेहतर होता है। आप महीने बाद या आफ्टर 2 वीक्स अपनी नोज़ पिन, नोज़ रिंग जो भी पहनी है गोल्ड की, आप पहन सकते हैं। बट जो आपने बेसिक जिसे नोज़ पियर्सिंग करानी है, मैं रेकमेंड करूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप चांदी की ही नोज़ पिन या नोज़ रिंग से कराइएगा, ताकि आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाए और कोई दाना कोई निशान ना रहे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने नोज़ पिन की जगह नोज़ रिंग पहनूंगी आज। इट इज़ अ बिग चेंज, ह्यूज चेंज। जो बिल्कुल भी नोज़ रिंग नहीं पसंद, बट मुझे ट्राई करनी थी, और क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने बोला कि क्यों ना ट्राई की जाए और देखा जाए कि कैसी लगती है नोज़ रिंग। बट मैं आपको अब बताती हूँ कि मुझे नोज़ रिंग और नोज़ पिन से दोनों चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा चीज़ बेहतर लगती है। अच्छा, तो मुझे लगता था कि नोज़ रिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे ट्राई करनी थी। ऑब्वियसली आप एक चीज़ को ट्राई जब तक करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो अच्छी है या बुरी। तो इसलिए मैंने नोज़ रिंग पहनी और आई आस्क पीपल दैट मुझ पर अच्छी लग रही है, तो एवरीबडी सेड यस इट इज़ लुकिंग गुड, बट कंपेरेटिवली नोज़ पेन इट इज़ टुक यस नो फ्रॉम मी।
और मैंने इस वीडियो के लिए पहन के रखी ताकि मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ कि मुझे दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद है, नोज़ रिंग या नोज़ पिन। काफ़ी लोगों पे नोज़ रिंग बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिन पे नोज़ रिंग बहुत आला बहुत खूबसूरत लगती है, बट मुझ पर मुझे नहीं लग रहा कि सूट करे। लेकिन खैर आई एम इन्जॉइंग इट एंड आई विल वियर इट फॉर वन मोर वीक, एक और हफ्ते के लिए पहनूंगी और फिर मैं वापस अपनी नोज़ पिन पहन लूँगी। तो मेरा एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर अच्छा है, लेकिन मुझे नोज़ पिन ज़्यादा पसंद है बिकॉज उससे बहुत एलिगेंट सी लुक आती है और मेरी पेंट शर्ट सलवार कमीज दोनों अटायर्स के साथ मेरी लुक बहुत अच्छी जाती है, क्योंकि नोज़ रिंग के साथ मैं पेंट शर्ट पहनने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। देसी लुक पे तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन मेरी पेंट शर्ट के साथ आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लगता वो। तो मुझे मेरे जितने भी जैसे पेंट शर्ट वगैरह हैं वेस्टर्न कपड़े हैं, मुझे उनके साथ नहीं इतना कुछ खास मज़ा आया नोज़ रिंग के साथ बिकॉज आई डोंट नो। तो हाँ, इसकी देसी लुक मेरे शलवार के मुझे इसके साथ मेरे एशियन कपड़ों के साथ बहुत अच्छी निकल रही है। आप भी अपने सजेशंस और कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं कि मुझ में नोज़ पिन या नोज़ रिंग ज़्यादा अच्छी लगती है। सो आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और सो अगर कोई भी ऐसी लड़की है जिसने नोज़ पियर्सिंग नहीं कराई या करवाने का सोच रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपके दिल में तसल्ली आई होगी और आप फिर से नोज़ पियर्सिंग कराएंगी और आपका ज़ख्म भी जल्दी सही हो जाएगा और कोई मसला नहीं होगा।